आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 13/25, सेकंड -17/12, थर्ड -7/24, फोर्थ 18, फिफ्थ -16, सिक्स्थ -3/-5, सेवेंथ -1, एट 0.2, नाइन्थ 2/-5, टेंथ -1/8। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल होता क्या है। देखिए, यहाँ पर 1/2 है, ये है इसका डिनोमिनेटर और ये है इसका न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ये है 13/25। तो देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, 25 ऊपर चल जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट है हमारा -17/12। डिनोमिनेटर क्या है इसमें, 12, तो ये ऊपर चल जाएगा और -17 है न्यूमिनेटर, ये नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट सॉल्व करने में क्या है हमारा, -7/24, मतलब 24 जो है वो आ जाएगा ऊपर और -7 नीचे, मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट है 18, इसको हम 18/1 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको 1 के साथ जो हम 18 डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा। फिर क्या होगा, 1 ऊपर आ जाएगा जो हमारा डिनोमिनेटर है और 18 नीचे आ जाएगा जो हमारा न्यूमिनेटर है। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट सॉल्व। फिफ्थ पार्ट में क्या है, -16, इसको हम -16/1 ले सकते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, 1 ऊपर आ जाएगा और -16 नीचे रह जाएगा। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट सॉल्व, वो है -3/-5। माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा, 5 ऊपर आ जाएगा जो हमारा डिनोमिनेटर और 3 नीचे रह जाएगा। अब हम करेंगे सेवेंथ पार्ट सॉल्व, वो है -1/1 भी ले सकते हैं, तो 1 ऊपर आ जाएगा जो हमारा डिनोमिनेटर और -1 नीचे रह जाएगा। अब हम करेंगे एट्थ पार्ट सॉल्व, जो हमारा एट्थ पार्ट है वो है 0.2, मतलब 2 ऊपर चल जाएगा और 0 नीचे रह जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब हम करेंगे नाइन्थ पार्ट सॉल्व, वो है 2/-5। अब क्या होगा, -5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब हम करेंगे टेंथ पार्ट सॉल्व, जो है -1/8। इसमें क्या होगा, 8 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सबका रेसिप्रोकल हमने फाइंड कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।